बातें कुछ अनकही। जी हाँ, यहाँ पर बातें फिलहाल अनकही नहीं, लेकिन कहकर जरूर आगे बढ़ रही हैं वंदना और कुणाल के बीच में। देखिए ना, फिलहाल तो वंदना कुणाल को कन्विंस कर रही है कि वो अपनी बेटी को अपने घर ले आए। कुणाल सर, कुणाल नहीं ले रहे क्या आपको? सर, बच्ची वहां पे सड़क पे है और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? कुछ नहीं लगता है, उसे कुछ हो गया तो क्यों नहीं ले आओगे? आपको सुनाई नहीं दे रहा है ये बात? ही आपका दिल पत्थर का है यार, पढ़ाई क्यों जा यार? बताइए, मैं लालू तारा कुणाल। चल रहा हूं मैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वंदना आधी रात को कुणाल के घर आई है, चीख रही है, चिल्ला रही है और तो और वो कुणाल का कॉलर भी पकड़ रही है। कुछ नहीं लगता, अगर मैं कुछ हो गया तो क्यों नहीं ले आओगे? आपको सुनाई नहीं दे रहा है ये बात? ही आपका दिल पत्थर का हो गया है? अब वो यहाँ पर इतने हक से आई थी, उसे लगा था कि कुणाल सर उसके साथ चलेंगे। अब नन्ही तारा को उसकी माँ ने आधी रात को बीच सड़क पर छोड़ दिया है। एक मासूम बच्ची सड़क पर है जबकि उसका पिता यहीं पर है। अब कुणाल तो तारा को अपनी बेटी मानता नहीं है, वो नफरत करता है। उसका कॉल आता है तारा का वंदना को कि मैं कहीं बाहर हूँ और मैं घर छोड़ दिया है और बाहर हूँ और मुझे इन्हीं फलाना फलाना अंकल के पास हूँ, उनके नंबर से मैं कॉल कर रही हूँ एंड शी इज़ लॉस्ट। तो शी इज़ बरेड, वंदना बहुत बरेड होती है और वो आती है कि चलो उसको लेने जाना है, वो घर से बाहर चली गई है और शी इज़ लॉस्ट समवेयर इन बॉम्बे। छोटी बच्ची है तो कुणाल नहीं हिलता है पहले, क्योंकि कुणाल को लगता है कि ये भी यू नो इट माइट बी अगेन सोनिया की चाल हो सकती है कि सोनिया ताकि मैं खुद से बच्ची को एक्सेप्ट कर लूं और ये तो ही डजंट मूव। फिर वही वंदना को पहली नजर में ये तारा बहुत प्यारी लग गई थी, मानो जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो। कुणाल से वो गुजारिश कर रही है कि चलो तारा को लेने चलो, मेरे साथ चलो, लेकिन कुणाल है कि टस से मस होने को तैयार नहीं है। वहीं पम्मी बुआ आग में घी डालने का काम कर रही है। कुणाल की बहन ने जबकि कहा कि तुम्हें जाना चाहिए कुणाल, अब कुणाल किसी की बात नहीं सुनेगा। वंदना को बहुत गुस्सा आ रहा है, अब वंदना खुद ही चली जाएगी तारा को लेने के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि पीछे पीछे कुणाल भी आएगा। नहीं आनंद, आपको मत आइए, मैं जा रही हूँ तारा को लाने। चल रहा हूँ मैं। अब उसका दिल इतना कठोर तो नहीं है, जब वो वंदना के पीछे पीछे जाएगा तभी तो वंदना को समझेगा, उसके दिल के करीब पहुँचेगा। और हाँ, वंदना का यही स्वभाव ही कुणाल को पसंद आएगा और फिर प्यार भी तो होगा उसे। हमने तो पहले ही कहा था कि तारा ही जरिया बनेगी वंदना और कुणाल को एक करने का, तो देखिए धीरे धीरे कुछ वैसा ही हो रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।